Hey fam, welcome back to the 10th Star. सो वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो एंड बड़े मियाँ छोटी मियाँ का ट्रेलर आया है स्टारिंग यस अक्षय पाजी एंड टाइगर श्रॉफ। मैं देख रहा हूँ भाई, अक्षय पाजी और टाइगर श्रॉफ तो इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं दोनों ना, साथ में वी मिलकर नो व्हाई बहुत नाउ सारी हाँ रील्स बना रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने इसका टीजर कवर नहीं किया था क्योंकि हम तब अवेलेबल नहीं थे, ऐसा सीन था। तो अब ट्रेलर आया तो वी कांट वेट टू वॉच द ट्रेलर, क्योंकि अक्षय पाजी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड टाइगर ऑल्सो की भाई टाइगर बहुत फिट है, जो पूरी इंडस्ट्री में लगता है सबसे फिट इस टाइम, बहुत फिट यू है। नो। हाँ तो मजा आने वाला ट्रेलर देख के। लेट्स बिगिन और देखते हैं ट्रेलर कैसा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज मैं लेके जा रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। द पैकेज इज द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस वेपन एवर टू बी मेड इन दिस कंट्री। दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। यू नीड टू एक्ट नाउ। अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। चिम्मा डायलॉग बाजी। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभाल। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? बात ही खत्म। यहां बात खत्म हो जाती है। इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है, वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। भाई खिलाड़ी है, मूवी में एक्शन सीन्स तो होंगे भर भर के। जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी खिलाड़ी हम हैं। रेजिमेंट का नाम है लायंस, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। That was being charged up. उसमें, I think it will take up the shape of Akshay Kumar. मुझे लगा था लास्ट वाला डायलॉग आएगा कि हम किसी की जान ले, मतलब अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं, लेकिन वो आया कि हम एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। तो थोड़ा सा एंड में आते आते मुझे ट्रेलर फ्रॉम द बिगनिंग, पहले जैसे इंट्रो विंट्रो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ट्रेलर नॉर्मल बेसिक एक्शन मूवी वाला लग रहा था। एक एक्शन पैक मूवी है कि टाइगर श्रॉफ इज ऑल्सो इन टू एक्शन एंड द ओरिजिनल खिलाड़ी वी हैव अक्षय पाजी हमेशा से एक्शन में फिट रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा था कि एक एक्शन मूवी होने वाली है कि मतलब एक दुश्मन है उसके अगेंस्ट लड़ेंगे एंड ऑल जैसे हमने देखते हैं कि
फ्रॉम द मेकर्स ऑफ टाइगर जिंदा एंड सुल्तान, तो मुझे लगा था वैसे ही कुछ होने वाला, लेकिन जो एंड में एक ट्विस्ट आया ना ये वाला कि अक्षय पाजी वर्सेस यस दे आर फाइटिंग ईच अदर, तो दैट कुड बी द थिंग टू वॉच दिस मूवी एंड दैट कुड बी द एक्स फैक्टर फॉर दिस मूवी एंड आई रियली वांट टू नो हु इज दैट मास्क्ड गाय. हाँ हाँ, तो और भी वो मास्क दिखाया हुआ था, सम मल्टी स्टारर मूवी, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं तो देखने लायक होगी. बट अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा, एक तो ट्रेलर भी, ट्रेलर छोटा नहीं था, ट्रेलर बड़ा था, ट्रेलर बड़ा था, बहुत बहुत कुछ दिखाया उसमें. तो मूवी की लेंथ भी 2.5 घंटे की कम से कम होने वाली है, आई थिंक उससे कम तो नहीं होगी, क्योंकि जितना ये कुछ बहुत बड़ा मास उसमें दिखा रहे हैं तो आई थिंक होने वाली है लेंथ भी 2.5 घंटे की. बट हाँ, जो मुझे एंड वाला ट्विस्ट लगा उससे थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन मूवी से बढ़ गई है, वरना मुझे थोड़ा सा बेसिक एक्शन मूवी लग रही थी. बट बीइंग अ फैन ऑफ अक्षय पाजी, आई एम होपिंग कि ये मूवी बढ़िया करे. एंड टाइगर श्रॉफ भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल, दोनों मतलब बाकी जो जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग है एक्शन के साथ, जो एक फन एलिमेंट ऐड हुआ है दैट विल यू नो एडेड अप एंड थोड़ा सा ज्यादा हमें अच्छा लगेगा देखने में. बाकी स्टोरी लाइन क्या है और कैसी है वो हमें जल्दी पता लगेगा व्हेन द मूवी विल बी आउट. यस, द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड एंड आवर हीरोज विल राइज. सो लेट्स सी 10th April 2024 को कितना बड़ा धमाका करती है मूवी एंड एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरती है कि नहीं उतरती. बाकी आप बताओ, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस, कैसा लगा आपको ट्रेलर, एंड अगर हमारे कहीं ना कहीं ओपिनियन मैच हो तो वो भी बता देना. बाकी अगर हमारे साथ ट्रेलर देखने मजा आया मेक श्योर गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन. टेक केयर, बाय बाय.